बेटा तेरी हाथों की रेखा बता रही है तू जिंदगी में बहुत सेक्स होगा, मेरा मतलब तू जिंदगी में बहुत सक्सेस होगा बेटा। बाबा आपकी कृपा से मेरा बीबी प्रेग्नेंट हो गया। आशीर्वाद बनी रहेगी, हमारे साथ बने रहो, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट होती रहेगी, आशीर्वाद बनी रहेगी, जिंदगी में तुम बहुत सक्सेस होगे, नाम कमाओगे, बस बाबा को मत बोलना। जी बाबा जी। ठीक है अब तुम जाओ, हम इनसे बात कर रहे हैं। ठीक है बाबा। सब तो ठीक है बाबा, लेकिन मुझे दीपिका बहुत पसंद है। साला ठहरकी दूसरे की बीवी को मांगता है, वैसे दीपिका तो मुझे भी बहुत पसंद है यार। बेटा भक्त बाबा को खुश करो, रात तक रणबीर खुद दीपिका को तुम्हारे पास छोड़ कर जाएगा, बस भक्त बाबा को खुश करो। ठीक है बाबा। गाँव भाषा नहीं बिछारी पहले आ जाते हैं, चल ले जा बीड़ी पी लेना, 2 रुपए में बीड़ी नहीं मिलते, 20 रुपए हो गया, जा पी लेना, चल भाग यहाँ से। और सुन आजकल तू कस्टमर लेके नहीं आता, कस्टमर लेके आ, कमीशन बढ़ाऊंगा तब तेरा। जी तो अगले बार से काटूं का पैसा मैं, चल भाग यहां से। बाबा की जो आशीर्वाद दे भक्त, इन्हीं बाबा की कृपा से मेरा बीबी आज प्रसन्न हुआ। बाबा मेरा भी हाथ दे बेटो, भाई देख ले आंखों, क्या हो जाएगा, अपने भाई को बुला दे। अरे भाई को क्यों बुलाएगी, शादी तुझसे करना है, भाई से थोड़ी करना है मुझे। सुन तो, आज तुम्हारी आखिरी दिन है। देर ना मकान वाले तो नहीं है, मकान वाले क्या होता है, मकान वाले पुलिस 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 तुम दोनों अपना मकान मालिक है रे। बच कैसे गया साला, इधर से कह देता हूँ घर का बाहर निकलो या तो फिर घर से निकल जाओ। जा नहीं देंगे जो खाना हो खा ले, समझा क्या? क्या बोला तुमने? प्लीज आप मुझे अगले साल में आप मुझे घर से माफ नहीं कर देंगे तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, आपको कभी नहीं करेगा। तेरी बात सुन के मुझे क्यों, वो भी छुट्टिया, मतलब वो भी छोड़ती क्या, वो मुझे छुट्टिया मनाया ऐसे ही थी। बड़ी दुख भरी है आपकी कहानी, मैं आपको अपनी माँ के बारे में बताना तो भूल ही गया, तीन साल से पहले शक्ल मत दिखाना। काम का कितना
तो क्या समझ कर रखा है हमें, यू 3 साल बाद तेरे मुंह में पैसा मारूंगा मैं। चल रोटी चल। कहा जा रहा है तुम? ड्यूटी ड्यूटी भाई। कपड़ा धोना है, मरना है, उसका बाद जो प्रेस करने दिया था वो किया है कि नहीं? नहीं किया है ना, जब तुम्हें बाप करेगा। मेरा तो बाप नहीं है। इसका बाप नहीं है? अरे बेवकूफ, 5 रुपया को 100 बार कमाएगा ना, जो दिमाग कहाँ है तेरा, ध्यान रखना ना इस चीज का। बुढ़ा है साला। चल निकल, काम पे लग अपना। बाकी लोग के पास पैदल घूमने का लाइसेंस है, तेरा पास है क्या? पैदल घूमने के लिए कब से लाइसेंस लगने लगा और ये कब से लागू होगा? अबे जॉनी लीवर, कल्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से नया लॉ पास हुआ है, समझा ना, कल से लागू हुआ ये कानून। वैसे आप लोग कौन? अबे हम लोग चोर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कम चोर ज्यादा है। चल बस से भी निकल। पेपर है आधा का, दिखा ड्राइविंग लाइसेंस, दिखा पैन कार्ड, दिखा सर। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले आधार कार्ड दिखा के जा। ये कौन सा कार्ड है? जैसे मोदी जी का आधार कार्ड है ना, वैसे चोर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आधार कार्ड है। ये तो मेरा पास नहीं है। पैन कार्ड चलेगा? पैन कार्ड ठीक है। सर कुछ कुछ लेके छोड़ दीजिए, मुझे कुछ लेके छोड़ दीजिए। लेके छोड़ दूँ? हाँ। कितने रुपए है तेरे पास? चल निकाल। मेरे पास 250 रुपये। 250? अबे साले इतने का तो उसके 30 भी नहीं आता। नहीं तो नहीं आता है। 2000 निकाल। चल मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, बार्गेनिंग नहीं करूंगा। 2000 निकाल। मेरे पास 2000 नहीं है, 250 रुपये से। 250 रुपये तेरे पास? ओए पैसे दो, ये बाइक बहुत डेंजर है, पैसे कहते दो। चल निकाल, 2000 रुपये में पैर काट दूंगा तेरे। निकाल निकाल पैसे निकाल। निकल दिया, वाह बड़ा बात दे तू। चल भाग ऐसे, अब भाग निकल। चल ले लेके जा इसे। 1 2 3 3 मेरा, 1 2 3 तीन तेरा, बराबर हिसाब है ना भाई? तुझे पैसा चाहिए? 1 मिनट दे रहा है, इसे खाते में जोड़ लेना ना। 3 तेरा, तू पकड़ भाई। ये क्या बेईमानी? चल निकल भाग यहाँ से। चल चल चल। देखो 25,000 रुपये हमें दे दो, छोटी सी यज्ञ करेंगे, आधे घंटे की लड़की पड़ जाएगी तुम्हें। बाबा अरे वक्त कौन है तेरी माँ का? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरा पैसे निकल, पैसे कहाँ है मेरा? ये मुझे छेड़ा साली मेरे बहन। अरे मैंने कुछ नहीं किया, नहीं छेड़ा यार मैंने। अबे छोड़ मुझे, मैंने कुछ नहीं। वो देख नेगड़ी मैं खाली पा। उधर 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 गज के पीछे। अबे साले भाग किया साला। जो लेना है तुझे ले ले साला। बड़ा ठरकी आदमी था रे, कपड़े उपड़े सब ले गए, चड्डी भी नहीं छोड़ा साले ने। आपके चक्कर में मेरे कपड़े भी गए, ऊपर से मार भी खाया। ये चीजें जो बड़ी कहानी, यही थी मेरी दुख भरी कहानी। उसका वजह तू नरेश में नंगा घूमा था पूरा दिन। मैं नरेश में नंगा घूमता रहा और मेरे साथ वो लड़का भी घूम रहा था नंगा। क्या बोल रहा है? चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं बनूंगा तेरा माँ, मैं उठाऊंगा अपने सिले पर बोझ, मैं बनूंगा तेरा माँ। तू ही मेरा भाई। सुनो ना राहुल की अम्मा। बोल बे बोल। साले अंदर से मर्द हूँ यार मैं भाई, थोड़ी सिंगल पर की हद होती है यार।
ये मेरा बाप है। क्या मतलब मेरे पिताजी हैं। सदा सेक्सी रहो, सदा सुंदर रहो। ये बुढ़िया ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। तुम्हारे जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे दिल में है बेटा। रुको माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बहु बनी नहीं है अभी। ठीक है बात तो तू मजे लेगा। और बेटा ये तो कमीना है मुझे पता है। क्या हो गया जी? ये तो कमीना है मुझे पता है, पर तुम कैसे फंस गई? मेरा मतलब तुम कैसे पड़ गई इससे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे पता है पक्का इस कलमुए ने तुझ पे कोई काला जादू किया होगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आई रियली लव यू। माफ करिए जी, वो क्या है ना, वो कभी कभी इसका जेब नहीं है ना, इसलिए पकड़ा जाती है कभी कभी। क्या मेरा मतलब इसकी कोई गर्लफ्रेंड जैसी बेटी नहीं है ना, इसलिए। पापा मम्मी मैं आ गई। ये कौन है? मैं इनकी माँ नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ। आपने तो कहा था आपकी कोई बेटी नहीं है। वो कि क्या है ना, इनकी मजाक करने की आदत है। ये मेरी बेटी है, बेटी है ना। हाँ ये हमारी बेटी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी आवाज कुछ मर्दों जैसी है। वो क्या है ना, इसके पिताजी मुझे मर्दों की तरह प्यार करते हैं, इसलिए मेरी आवाज मर्दों का जैसा है। ये सब छोड़ो, तुम मुझे जल्दी शादी करके माँ क्या कर दो। मेरा मतलब है मेरी माँ की इच्छा पूरी कर दो। मैं अब इस कुत्ते की शादी पक्की समझू? शादी की बात करने कल पापा आएंगे। मतलब कल इसका पापा आएगा।